नफा हुई जी देख मरना अली तुको शर्म नहीं है ना त्याड़ के नहीं है तुको मोबाइल आता वो इधर करा था ध्यान दे मैं थकिया था आया था और दफ्तर भी तुको पता है कितना त्याड़ी काम करते हैं आसी दफ्तर भी ना और कर दिए तू गेमा ने खेल दी था बाहर निकला बिंका बेच पिया का कुड़िया की लेन खलती जी इतना थोड़ा पटासा सुन जान खा दी ना ना तुकु भी मजबूरी तो उन्हें कोई मच मजबूरी बाजार भी गच्छो तो अगाओ तो सन सामान खरीदने तो कुड़िया खरीद सन जी जाने घर बोन ओई काम तो पकड़े दिन मुको आज लगी थी तू मोबाइल था गेम को ओ एक पाकिस्तान उन्हें इसका सीमा की सजाई गहरी पता नहीं तू मुको के बड़ा सी इतना तो फोन को नहीं होता ना ना हमेशा कुड़िया पिछड़ ना गे दो कुड़िया पिछड़ ना गे दो मोबाइल तोड़े को ना हलदे ही नहीं ना तू मोबाइल छोड़े ना तू को छोड़े रहन दो कोई मन ये मन ये इनका माफ करें दो कुड़िया पिछा कुड़िया कोई लो ए फजूल खर्चिया तो नहीं कर दिया ना काज का अगर पैसे ही बिनता तो काट काट दी तो कोई करे ही वास्ते अच्छी चीज आन दी ना कोई आपा तो नहीं लेनी है ना ना और लेनी मारे तो लेनी मारे शराब दाब कर आपने सुरमा सीधा थोड़ा नहीं पूरा होता है तू मारे मथे लगी है हां जंग करना भी ध्यान है स्कूल पे जैसे ऐसे नहीं ना मैं जंग को तैयार करके दे सकती हूं ठीक है ना ते गगरी जी या सी ना ते उसको भी थोड़ा पैसे चाहिए ऐसे ते मैं तो सब बता टूं दी ऐसे ते सब दे गया वो ने ताड़ी तुसी गए तो दफ्तर पे जा शामी मोड़ का आके मरते ना ले रो भी मैं कहंदी फिर तैयारी ना और दफ्तर पे दिमाग खा छोड़ दन घर मोड़ दन ता थोड़ा कंगास मु को मार छोड़ दे रो तुला केड़े पास है मारे अल्लाह कयामत है हां तो दौड़ कुछ और ना आता ते अखिया ता अगर जब किंदे ऐसे आता को मापे ते सिर फुट का सब छोड़ दिया से पर आखी ते गछी भी कोई सुनती ना होंदी सी आज कल की कुड़ियों को सिर तक पला ले कि ना तो भी कोई परवाह नहीं कर दिया एली आज जिया मुकाबला लग गया थी फिर नंगा रखे जाता है वो खुले पजामे ला कर फिर दिन की उनसे मुकाबले कर हाँ बड़े बड़े पेंटियों वाले वो भी जिसके आंखों में वो था फिर भी उन्हें मुझे कुरियोस उन्हें पजामे पीछे बोली शुक्र करा जी तू घर सामने से ना ना मैं तो नहीं पढ़ते पढ़ते भी चंद आलम मुख रोज क्या मत तो नहीं पढ़ते भी रखे मैं गाल सुन मैं आसिया मारी माउती हुई जी सब पीरो में तमारी भी रहवे मुझे सूट ले ले ना आज उठे उठे क्या करो वो तो ए मुझे दे यही दे दौर है मैं कल एक कोई था जल्दी को टाइम सुना सुन कर एक करता सी बाहर का कर दी ना गदरा पड़ सी कल अफसर लग सी थोड़ी भी खिदमत कर सी मारी गदरिया होनी नहीं बगाना मार कल जैसा दुए घर आए दे रहे सन बोलो सारा की देना इस तरह रेंड दे गदरी ठाके ना सुन कर ना जी ना ए फर में माने को तैयार ना अगर गदरी को पढ़ा लो मैं तो सीक्रेट का नहीं पढ़ा ले आदमी दीनी का नहीं पढ़ा ले कुरान पाक पढ़ा ले नमाज़ों का सबक पढ़ा ले अपनी बच्ची को चाहे वो कुछ भी हो गए देखो ना ये फटी जी पिंटा लेंदे मुंडी होनी लकड़ी दी जी उसको थोड़ी माँ भी है जी ते तुम ही है जी ते जो ते दफा होता आई के जे पैसे आए मारे को मारी बच्ची को रे तुम खा था हुआ था फिर दिख सा कोड़े ना कोड़ो मंगे उला दिए पैसे मैं मर गई या सिया मार पड़ो ते अब तो खो दे था ते कपड़ हे ओई तो को पूछ
ठीक है तू वाले स्कूल गया था तू आज गया ना बा के देखने लायक पुत्र है होया के और स्कूल जा रहा है ठीक है तू ठीक है बच्चे ठीक है सुनो ना मैं आया समो पैसे थोड़ी जरूरत है कितने चाहिए तुम तुमको टूर्नामेंट चल दे ना अच्छा बाल के मैं चंगा ये कृपया सो जा अच्छा लंगो पिस्तू कोटा माड़े बेचो ना 200 खाट तू सो दी जाए 250 का ना गदरी को ना दसी हो पेन पेन का पेंसिल मंग दिया सी दसा में नी मको 250 का ना 250 अच्छा खाट चल मारे अम्मा ये कितना माशा ओ मार तो एक ही कार आ गया मारे अम्मा गदरी सुन मंगे बालो वास्ते पैसे दे पीयूष कोटे में 10 चिमटे 10 सटे ते पीयूष मंगे पेंसिल वास्ते किताबों वास्ते कोई और किसी चीज वास्ते ना मंगे ते इस बेचारे को ठगो ना सजा का छोड़ देता काबिल बच्चा मारा लिखा तो पता करा उस वजह बीमार शिमार ना हो खादे पीते का कंपटीशन है माड़ा गदरा के लै सी माड़ी बच्ची के लै सी है ना इस करके खादे का कंपटीशन है अस्ते करां भाई ते तरबीत दा कोई कंपटीशन ही नहीं जिसका कंपटीशन होना चाहिए अस्ते सुने बच्ची सलमा बहुत काबिल है उसका थोड़ी जी मेहनत करो इंशाल्लाह तुझे देखियो बच्ची तुझे कितनी आगा गया है मास्टर साहब माड़ी मनो ठीक पढ़ाना कोई चंगी गल नहीं मैं चाहना जे भाई पुत्र पढ़ गए कारी रो है इतना ही करे नमाज अपनी सीधी कर के नमाजा का सबक पढ़ा बिल्कुल दुरुस्त तरबियत देनी है ना बच्चे को बच्चा इतना मारना भी नहीं बच्चे को रोब रखना है कि बच्चा मारे नाल बागी हो गए देखो मैं उसकी चमड़ी लाड़ा ना लाड़ा हां जी तुसी रोटी खासो या क्या पीसो केजी ना मैं ना अगर रोटी खासो मैं रोटी बनाऊं मैं रोटी खा के सुबह निकलदा ड्यूटी रोटी खा के बस क्या पी के ना किसी क्या दा कप से क्या दी कोट पी के क्या फिर जम का ख्याल रखो चलो ठीक है दो इजाजत मुड़ा सही
देखना इसको समझा इसको बड़े को चेक करता कर शामे अल्लाह राम करा तो इसने कोई तवज्जो ना की थी आज मोरी बक्की न तो ना दी ये तो पीछे कोई पता नहीं वो लाडा लाडला रखया रे आज चौनी में वो के पता से जो इतना तबाह हो गए सी एनी लाडा सब बर्बाद कीता भाई मोरा सही में उसको एनी लाडा सब बर्बाद कीता पुत्र तो को जनता में ना खड़ सी है तुम ज्यादा तो को पुत्र जनता में क्या का गछ है ई जड़ी हम ये ना थी ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਮਾਉ ਪਿਓ ਦਾ ਦਸ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਗੀਆਂ ਬੰਦਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਗੀਆਂ ਇਹ ਡੋਗੀ ਕਾਟ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਧੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਕਰੂੰਗੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਸ ਦੇ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਛਾ ਨਾ ਤੇ ਜਨਮ ਤੂੰ ਧੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਛੜਦਾ ਵਾਹ ਕਿਆ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਆਵਾ ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋ ਲਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ मेहमान घर आए तू को थमना मुश्किल हो गया अब तो लंघ लिया से कि तू से घर पाने का ठलकार ही आया था लंघ आया तेरी मैं क्या इकलौता जरूर पई दिया हुसन किसी को के हाय हाय और तू सी सुनाओ भाई अब्दुल्ला भाजी आसी किसी खास कमाने वाले हैं हां सुन खैरी है ना मसला ये है कि पूरे ग्रांड की शिकायत आ रही है कि तोसा जेड़ा बचा उस सारे गदरे बर्बाद कर माड़ा पुत्र काम नहीं कर सकता बर्बाद करके सटे दे दसो तुसा गदरा होंगे कि ट्यूशन लाई है ट्यूशन तो कद मुड़ के आंदा नमाशन तो बाद मुड़ता है अच्छा दसो जेड़े पैसे और ट्यूशन वास्ते खड़दा है वो तू खड़दा देने के ना वही खड़दा है खड़दा तो वही है वही खड़दा है ना ये मत बताइए वो कौन खड़दा है ट्यूशन को देना के ना चिटा के इनका पींदा लग गया वो कोई आता है आज स्कूल भी मंगे थे ना ट्यूशन वाले को फीस देनी है ना 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 तो इनके पैसे जनका नाल तो बड़ी लापरवाही की थी है वो गदरी भी तो थोड़ी है ना देख कितनी काबिल ते ज़हीन बच्ची है थोड़ी सारे उसकी तारीफ कर दें स्कूल में देखो तो हेडमास्टर साहब कनी उसकी तारीफा कर दें ग्राम में चलो तो ग्राई कनी उसकी तारीफा कर दें तो मास्टर साहब कितनी उसकी तारीफ कर दें कितनी काबिल गदरी है मैंने का जलील की थी गदरी को मैं कदे उस काबिल नहीं बढ़ाया मैं पुत्री पीछे लगा रही मगर दोस्त आज तो सुन सुन मारी आंखें खोल छू ओ बड़ा नफलक निकलया ओ सुन तो भाई सब बर्बाद ही मैं सिरो लाल कर सा एक भी नहीं मानी जी एक भी ना हां मैं बस जी उस पुराने जमाने में जी ना जी मुख लगता है उस जमाने का जिस जमाने में बच्चियों को जिंदगी दफन कर छोड़ दिया
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ 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 ਠ
बची एक दिन बहुत बड़े उच्चे मुकाम तो उसी अल्लाह का लाख लाख शुक्र तुसको मैं एक पहला भी आख्या कया बारी आख्या स्कूल बच आयो तुम एक गल में आगी कि भाई एक वो वक्त ऐसी कि तुसी बची है बहुत बड़ी पोस्ट होगी तो MBBS सिलेक्शन उसकी हो गई है तो ये मिठाई कहन का आया मुबारक की थे कोई नाप तो सब मुबारक हो सब तो उसकी गई अल्लाह का शुक्र मैं तुम से रे का सब नाप शर्म रखिया सुभान अल्लाह देखो देखे मैं इस काम ना पुत्र को छोड़ का पुत्र का भी ध्यान रहना है ऐसी गल नहीं है पुत्र को सरो साथ छोड़ना जरा जाके बड़ा गल देखो बड़ी फखर की गल हो गई मिठाई में लड्डू लड्डू करो लड्डू पहले थोड़े मुंह माड़ा तो इस पुत्रा सुन अंदर साड़ छोड़िया था सा मगर शुक्र रब दा जे ठीक आसी जे सुन माड़ा ना ही रोशन कीता तो मैं सारे को एक गुजारिश करदा जे सब अपने बच्चे दा ध्यान दियो और अपने बच्चे को पालो और मेहनत करो हां सर को बच्ची पर ज्यादा ध्यान देना क्योंकि बेचारी ने ज्यादा घर दे कमों में रुलदी रही ठीक है चलो साहब जी अंदर जाएगा हम बड़े मशहूर हैं बिलखसूस सुनोए कल्चरल एकेडमी की तरफ से हमारी जो रियासती कल्चरल एकेडमी है उसकी तरफ से ये जो ड्रामा सजू इसको नुक्कड़ नाटक कहते हैं यानी ये किसी जगह भी रास्ते में भी प्ले हो सकता है किसी जगह भी हम प्ले कर सकते हैं लेकिन हमने ये कोशिश की कि क्यों ना ये पैगाम हम बच्चों के ज़रिए उनके घरों तक पहुँचाएँ तो हम नहायत ही मशहूर हैं अपने एडमार साहब के बाकी स्टाफ के जिन्होंने हमें कॉपरेशन दिया और ये नुक्कड़ नाटक जो था 20 मिनट का या 25 मिनट का ये हमने पेश किया यहाँ आप लोगों को भी मुबारक है कि आपने हमारा ताउन दिया साथ रहे कॉपरेशन दिया ये जो मैसेज यहाँ से गई इसको खाली ड्रामा ही मत समझो या नाटक मत समझो ये नाटक नहीं है ये एक मैसेज है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हम लोग अक्सर तौर पे बच्चों की तरफ कम तवज्जो देते हैं एक दो चार डायलॉग इन लोगों ने छोड़ दिए थे जो बार बार कहने थे इन्हें वो ये था कि असी अक्सर आते हैं जी तियां बगाना माल अक्सर वालदेन यही कहते हैं तियां बगाना माल है जी बलाल का पिछले लोग हैं वाले करनी है उनको बेहतर है देन दो थोड़ी बहुत पढ़न कर टिकी दो लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी नस्ल जो है वो नस्ल बेटी ही से शुरू होती है हमारे आका है दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी हजरत फातिमा दुश्मन लोग खुश हो गए उस वक़्त के उनके दुश्मन जो थे वो खुश हो गए कि भाई इनकी नस्ल ख़त्म हो गई लेकिन हजरत फातिमा की तरफ से इस वक़्त तक उनकी नस्ल जाग रही है अगर कोई लड़का होता तो शायद हो सकता था वो नस्ल वहाँ पे ख़त्म ही हो जाती लेकिन बच्ची थी बच्ची की नस्ल आगे चली और इस वक्त तक और ता क़यामत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रोशन रहेगा और ये उम्र कायम रहेगी यही बात है कि बच्ची को पढ़ाना बच्ची की उस तरह से परवरिश करना ये चीज़ें होती हैं इसीलिए ये नाटक जो है आपके सामने पेश किया गया उम्मीद है आपको पसंद आया होगा लिहाजा हम आपसे
आपका और आपके स्टाफ का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं।